सोलन जिला के बीबीएन क्षेत्र में दो कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। दोनों कोरोना पॉजिटिव मामलों को बरोटीवाला स्थित क्वारंटाइन केंद्र में रखा गया था। एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति कोलकाता तो दूसरा उत्तराखंड से वापस लौटा था। ये दोनों नए मामले आने के बाद सोलन जिला में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 18 व कुल मामलों की संख्या 34 हो गई है। ये जानकारी सोलन जिला उपायुक्त KC चमन ने दी है। ये दो मामले हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, दोनों बरोटीवाला क्वारंटाइन सेंटर में हैं। एक वेस्ट बंगाल की ट्रेवल हिस्ट्री है और दूसरी उत्तराखंड से आया है, तो इनको कोविड हॉस्पिटल काठा में शिफ्ट कर दिया गया है। अभी हमारे पास जो जिला सोलन में अभी 18 एक्टिव केसेस है इन दोनों को मिला के। टोटल केस कोरोना के हमारे मिला के 34 है, बाकी सारे नेगेटिव हो गए हैं। अभी 18 पॉजिटिव है। सैंपलिंग हम सब जगह उठा रहे हैं क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन उनकी 100% कर रहे हैं, जो हॉटस्पॉट्स है जो लेटेस्ट नोटिफाइड है उनकी भी 100% सैंपलिंग कर रहे हैं। फिर रैंडम सैंपलिंग हम ट्रक ड्राइवरों की कर रहे हैं और जो बाकी टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग हम कम्युनिटी से लगातार ले रहे हैं। और साथ में ILI के जो केसेस जो हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं उनकी 100% सैंपलिंग कर रहे हैं। जिनको जुकाम नज़र इस टाइप का है वो सारे सैंपल लिफ्ट किए जा रहे हैं। सभी मंडी में हमें दिशा निर्देश दिए कि वहाँ भी लगातार सैंपल लिफ्ट होने चाहिए। पीछे कुछ समय में ये ज़रूर रहा कि वहाँ सैंपल लिफ्ट नहीं हो पाए, लेकिन यही ड्राइवर्स जो यहाँ आते हैं उनकी बॉर्डर में सैंपल लिफ्ट कर दिए गए हैं। तो ये हमारा पूरा कोशिश है कि हर जगह से सैंपल लिफ्ट किए जाए। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।